शराब घोटाले की जांच में लगी एसीटी की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एसीटी ने दो अधिकारियों को लेकर टिप्पणी की है। एसीटी ने कहा कि आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी, जो कि एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर है, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और उन्हें नारायणगढ़ डिस्टिलरी में जांच के लिए जाने से मना कर दिया गया। जबकि तत्कालीन एसपी प्रतीक्षा गोदारा ने शराब घोटाले के किंग पिन भूपेंद्र को दो गनमैन मुहैया करवाए थे और आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भूपेंद्र को असले का लाइसेंस स्वीकृत किया था। यह खुलासा यहां गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान किया है। उन्होंने कहा कि एसीटी ने शेखर विद्यार्थी की भूमिका पर उंगली उठाई है। जिस समय लॉकडाउन हुआ था, उस समय सरकार का यह फैसला था कि सभी ठेके बंद रहेंगे। शेखर विद्यार्थी ने एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर रहते हुए मातहत अधिकारियों को लिखित में यह आदेश नहीं दिए। हालांकि विद्यार्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से इस तरह का आदेश देने की बात कही है। इसके अलावा एसीटी नारायणगढ़ डिस्टिलरी की कार्य प्रणाली जांचना चाहती थी। इसके लिए शेखर विद्यार्थी को लिखा गया कि हम विजिट करना चाहते हैं। 18 जुलाई 2020 की तारीख विजिट के लिए तय की गई, लेकिन विजिट से पहले विद्यार्थी ने पंजाब एक्साइज एक्ट का हवाला देते हुए वहां जाने से मना कर दिया। यह कह दिया कि पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत इस तरह का प्रावधान नहीं है। उधर प्रतीक्षा गोदरा के बारे में एसीटी ने यह टिप्पणी की है कि यह जानते हुए कि भूपेंद्र किंगपिन है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, गोदारा ने उसे दो गनमैन दे दिए और उसका असले का लाइसेंस स्वीकृत कर दिया। उन्होंने मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही की सिफारिश की है। कार्यवाही की सिफारिश के साथ मामला मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया। ऐसे मामलों में मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी जांच करता है। अब आपको बता दें कि यह मामला क्या है। सोनीपत के खरखोदा में लॉकडाउन में गोदाम से शराब की चोरी की घटना आई तो सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। चारों तरफ छापे की कार्यवाही हुई और किंगपिन भूपेंद्र को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से करोड़ों की रकम, असली और महंगी गाड़ियां बरामद हुई। गृह मंत्री ने इस मामले में एसआईटी गठित करने की मांग की, लेकिन सरकार ने एसीटी गठित की। एसीटी को पावर दिलवाने के लिए विज ने बहुत कोशिश की, लेकिन पावर नहीं मिली। अब जो पावर मिली थी उसी दायरे में रहकर अपनी रिपोर्ट एसीटी ने दी है, जिसके बाद विज ने इस मामले में कार्यवाही की सिफारिश की है। घटना सामने आई है क्योंकि वहाँ एक वेयर हाउस भी था और पुलिस का खुद का गोदाम भी था। दोनों की कोई मिली भगत है नहीं है, इसलिए मैंने भी होम मिनिस्टर से आग्रह किया है कि एक स्पेशल एसआईटी इसमें बनाई जाए। सर, अगर कोई सीनियर ऑफिशियल भी इन्वॉल्व होगा किसी महकमे का भी, उसके खिलाफ कार्रवाई। स्मगलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इन सब बातों को जानने के लिए हरियाणा सरकार ने 11/5/2020 को एक एसीटी स्पेशल इंक्वायरी टीम गठित की थी। टीसी गुप्ता उसके चेयरमैन थे, सुभाष यादव आईपीएस और विजय सिंह एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को इसका मेंबर बनाया गया था और इनको कहा गया था कि 13 की तीस पांच तक अपनी रिपोर्ट दें, परंतु 27/5 को जब उनसे पत्र लिखकर ये पूछा गया कि आर यू रेडी विद योर रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, दूसरा एक्साइज
एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मुहैया नहीं कराई है, इसलिए हमारा 2 महीने का समय और बढ़ा दिया जाए। इसलिए 2 महीने का समय बढ़ाया गया और 31/7/2020 तक उनको अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। इसी दौरान सुभाष यादव के रिटायर हो जाने पर उनकी जगह पर मोहम्मद आकिल आईपीएस को इसका मेंबर बनाया गया। कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, हमने इसका अध्ययन किया है और हम समझते हैं कि कमेटी ने जिन बिंदुओं पर उनको जांच करने के लिए कहा गया था उस पर कड़ी मेहनत की है। उन्होंने चैप्टर वाइज इश्यूज को टेकअप किया, 6 चैप्टर में उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट को संकलित किया है और लगभग अनेक्सर्स मिलाकर 2000 पेज की ये रिपोर्ट है। पहला चैप्टर तो इन्फॉर्मेटरी है, दूसरा चैप्टर एक्शन प्लान है, तीसरा चैप्टर है इंटरेक्शन विद द ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। इसमें उन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के भिन्न भिन्न अफसरों के साथ इंटरेक्शन की है। लगभग सभी डीटीसी से, डीईटीसी से उन्होंने अपनी बात की है और अपने ऑब्जर्वेशन दी है। तीन ए चैप्टर है इंटरेक्शन विद फॉर्मर एंड प्रेजेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोनीपत, जिसमें उन्होंने जशनदीप सिंह रंधावा जो मौजूदा आईपीएस है उससे बातचीत की है और प्रतीक्षा गोदारा जो उसकी पहले एसपी रही हैं उनके साथ इंटरेक्शन की है। चैप्टर 4 में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ खरखोदा गडाउन्स जहाँ पर वो हुआ था उसके बारे में उन्होंने अपनी सारी डिटेल दी है। 4A में थेफ्ट ऑफ लिकर फ्रॉम समालखा गडाउन का भी उन्होंने मेंशन किया है। चैप्टर 5 में उन्होंने जो उनकी फाइंडिंग्स हैं इस सारे के बारे में उसका स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जिक्र किया है और चैप्टर 6 में उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। अपने ऑब्जर्वेशंस देते हुए उन्होंने कहा है द सेट हैज कंक्लूडेड
थ्रो हरियाणा एंड इलीगल सेल ऑफ लिकर हैज टेकन प्लेस इन द स्टेट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द सिस्टमैटिक फ्लॉज इन द फंक्शनिंग ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट सिंस 2011-12 and also non-implementation of its instructions, lack of monitoring, and in some instances, possible collusion or negligence on the part of some excise officials as well as police officials. ये जिस्ट है उनका जो सारा. उन्होंने एक एक व्यक्ति से भी बात की है. प्रतीक्षा गुदारा के बारे में SCT ने टिप्पणी दी है कि ये जानते हुए भी कि खरखोदा का जो मेन अक्यूज्ड था भूपिंदर दहिया कि वो स्मगलर है और उसके ऊपर कई केसेस दर्ज हैं, उसको 2 बॉडीगार्ड मुहैया कराए. बॉडीगार्ड गनमैन मुहैया कराए और उसकी गन का लाइसेंस दिया, नोइंग वेरी वेल कि उसके ऊपर उस वक्त जब उसने अप्लाई किया था 5 केस उसके ऊपर रजिस्टर्ड थे. तो हम प्रतीक्षा गुदारा के खिलाफ कार्रवाई करने का रिकमेंड कर रहे हैं. नियमों के तहत जो भी कार्रवाई बनती है हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं. रिकमेंड हम CM को ही हम करेंगे. सब कुछ हम रिकमेंड कर रहे हैं. हाँ नहीं, ये इसमें उन्होंने कहा है कि इसका सारा जो वर्किंग है उसकी जांच की जाए. तो अब जो भी मुख्यमंत्री जी जिससे कराना चाहेंगे वैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी IAS ऑफिसर के में चीफ सेक्रेटरी होती है, तो जिससे भी वो कराना चाहेंगे. हाँ हाँ जी, कि इसी प्रकार से नहीं, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ. हाँ जी, इसके खिलाफ ये अभी किस पर, कहाँ पर है? उसी प्रकार से अब तो रिपेट्रेटेड है, वो कैडर में चली गई. हाँ, पर सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं. पहले भी कई वो हैं इस पे जहाँ से है ये. हाँ जी हाँ जी, उसी प्रकार से SCT ने शेखर विद्यार्थी के खिलाफ भी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं. हाँ जी, PTC के खिलाफ जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त सरकार का ये फैसला था कि सब इंस्टीट्यूशन कोई किसी भी प्रकार का हो वो सब बंद कर दिए जाए. लेकिन शेखर विद्यार्थी ने ETC होते हुए भी ये कम्युनिकेशन नीचे नहीं भेजा, शराब ठेकों को बंद करने के लिए नीचे नहीं भेजा. हालांकि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हवाला दे दिया कि हमने उसमें कह दिया था,
लेकिन लिखित में आदेश ना जाने की वजह से नीचे ठेकों पर कार्रवाई होती रही, परमिट जारी होते रहे और जो ट्रांसफर के इनके होते हैं वो जारी होते रहे। इसके अलावा जो SCT थी जो SCT थी वो डिस्टिलरियों की फंक्शनिंग को देखना चाहती थी। दे वांटेड टू सी द फंक्शनिंग ऑफ NV डिस्टिलरी, NV डिस्टिलरी जो नारायणगढ़ में है, नारायणगढ़ के पास है, और इसके लिए इन्होंने शेखर विद्यार्थी को लिखा कि हम इसको विजिट करना चाहते हैं। उसकी डेट तय हो गई, अठारह सात 2020 उसकी डेट तय हो गई, लेकिन जाने से कुछ टाइम पहले शेखर विद्यार्थी ने उनको कहा कि आप डिस्टिलरी विजिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पंजाब एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। सेट की ऑब्जर्वेशन है, द सेट हैज ऑब्जर्व दैट दिस वॉज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू ब्लॉक द विजिट ऑफ द सेट टू ए डिस्टिलरी एज इट हैड नॉट रिक्वेस्टेड परमिशन फ्रॉम ETC टू परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शंस एंट्रस्टेड अंडर द एक्ट। द विजिट वॉज कन्फाइंड ओनली टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑपरेशन ऑफ ए डिस्टिलरी। तो उन्होंने ये महसूस किया कि हमें रोकने की कोशिश की गई कि हम उसमें ना जाएं। तो हम शेखर विद्यार्थी के खिलाफ भी कार्रवाई रिकमेंड कर रहे हैं कि उन्होंने सेट की फंक्शनिंग में बाधा डालने की चेष्टा की है। एक ये कि उन्होंने इंटीमेट नहीं किया, एक ये हो गया, और एक पॉइंट ये है कि 2011-12 से एक्साइज पॉलिसी में ये लिखा जाता रहा है कि CCTV कैमरास इन डिस्टिलरीज में लगाए जाएंगे, लेकिन आज तक उनकी जो फीड है, कैमरे लगे हुए हैं पर कैमरे पर किसका कंट्रोल है? मिल का ही कंट्रोल है या सरकार को? कभी उसकी फीड नहीं आई और कभी सरकार ने उसकी फीड मॉनिटर नहीं की कि हाँ कभी नहीं की जो SCT कह रही है कि वाकई कितने ट्रक निकले वहाँ से, कितने रिकॉर्डेड हैं, और ये नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की जो फंक्शनिंग है उसके कारण ही ये सारा होता रहा है। एक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्संस इसमें और भी हैं, हमने इस रिपोर्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है।
और मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि हर उस व्यक्ति के खिलाफ इन पर्सन जिसके खिलाफ कमेटी ने कमेंट्स दिए हैं, औरों के खिलाफ भी दिए हैं, सारे में कोई पढ़ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के खिलाफ दिए हैं कि इनको ये करना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था। तो उनके जो डिपार्टमेंट हैं जो, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गए या जिनके बारे में क्रिमिनल केसेस दर्ज होने चाहिए, कि नियम है कि हर दो साल में जो स्टॉक की शराब है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एक डीटीसी को छोड़कर किसी डीटीसी ने वो डिस्ट्रॉय नहीं की। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि जब डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है तो वहां से पिलफरीज होने की, बिकने की, स्मगलिंग होने की संभावना है। तो किस अधिकारी ने वो डिस्ट्रॉय करनी थी, कैसे करनी थी, वो इन डेप्थ फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है। तो इन डेप्थ हर पॉइंट की इन डेप्थ जांच होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए। तो मैं स्टेट विजिलेंस को रिकमेंड कर रहा हूं कि वो सब पॉइंट्स जिनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है उसके बारे में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करें और कार्रवाई करें। ये SCT थी, SIT नहीं थी, इन्वेस्टिगेटिंग टीम नहीं थी, लेकिन जो स्टेट विजिलेंस है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये डॉक्यूमेंट रिकवर नहीं कर सकते थे, वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को नतीजे तक पहुंचाने के लिए हम इसको स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को जांच के लिए दे रहे हैं कि वो एक एक बिंदु का, इन्होंने तो रफली एक इंक्वायरी करके दे दी कि जी इतनी शराब, अब कितनी शराब इकट्ठी हुई, कहां से हुई, कहां से आई, वो सारा। SCT ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लगभग 200 के करीब FIR दर्ज की गई हैं, लेकिन वो जो केस हैं वो मोस्टली ड्राइवर्स के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जबकि एक ट्रक अगर कोई शराब लेके जा रहा है तो उसके पीछे कोई और होना चाहिए, कोई मालिक होना चाहिए, कोई डिस्टिलरी होनी चाहिए। तो ऐसी सारी चीजों की डेप्थ में जाए विजिलेंस। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने वहां तक नहीं पहुंची, वही छोड़ दिया, ड्राइवर को पकड़ा, अरेस्ट करा, जमानत कराई, ट्रक छोड़ा, ये पता लगाने का प्रयास नहीं किया तो कौन असली मालिक, असली मालिक कौन, असली मालिक किंग पिन कौन। हाँ जी, कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं अपने, अगर आप कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं। रिपोर्ट तो थोड़ी होगी, मैं तो भाई जो हमने कह दिया वो सब फाइनल। नहीं, अब सुनने का तो जो ऐसे जो रूल है, जो इंक्वायरी होगी, जो अफसर कार्रवाई करेगा वो उनको सुनने का मौका भी देगा, वो उसी में ही होता है। तो इसमें ये नहीं पता चला कि ये भूपेंद्र सचिवालय में इसके बाद आता जाता था, पहले बात चली थी। नहीं, अब वो तो इसमें इनको तो नहीं,
एसीडी ने बातचीत की, एसीडी ने नहीं उतना नहीं देख पाए होंगे ये नहीं, वो उन्होंने लिखे हैं कि कितने केस और कितने वो इसमें लिखे हैं सारे। एक इसमें ये भी लिखा है साहब के जो एसीटी बार बार मांगती थी एसआई डिपार्टमेंट से, वो क्या जानकारी थी जिसको वो जानकारी नहीं थी, ये लिखा है इसमें? नहीं लिखा, नहीं ये नहीं लिखा। नहीं नहीं, उसने किसके कहने पर देने हैं, वो तो जब उसकी जांच होगी वो बताएगी। हाँ अभी तो ये है, फरीदाबाद वाले ने। हाँ मैंने ये फरीदाबाद फरीदाबाद नहीं, अब जहाँ जरूरत होगी वो करेंगे, उनको राइट है सर। हम ये जो इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट है ये मैं स्टेट विजिलेंस को दे रहा हूँ। ठीक है, हर उस ये इंक्वायरी है। स्वीकार कर लिया तो फिर इसका सब होगा। अब भाई इसके ऊपर फर्दर इन डेप्थ वो जांच करे और कार्रवाई करे। हो सकता है कि फिर एसआईटी बन जाए। नहीं नहीं, मेरा मुंह तो नीचे रह गया। ये गोदामों से कितनी शराब रखी गई थी और कितनी गायब नहीं, गोदामों में कितनी थी कितनी गायब हुई इसमें आया एक जगह। अच्छा इसमें टोटल अधिकारी और कर्मचारी कितने हैं जी? 20 नहीं देखो, जो इन्होंने एग्जामिन किए हैं, एक नरेश कुमार को एग्जामिन किया है डीटीसी सोनीपत को, एक एनके ग्रेवाल को एग्जामिन किया है डीटीसी अंबाला को, एक अनिल यादव को एग्जामिन किया है डीटीसी भिवानी, एक इन्होंने वीके एक इन्होंने प्रदीप यादव को एग्जामिन किया है डीटीसी पंचकुला, एक पुनीत शर्मा को किया है डीटीसी पानीपत, एक नरेश कुमार को किया है डीटीसी सोनीपत, एक एनआर फुले को किया है फॉर्मर डीटीसी सोनीपत। ये फॉर्मर है, इसके बारे में काफ़ी उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस दी हैं। और पहले वालों के बारे में फुले के बारे में, हाँ क्रिमिनल एक्शन सबके खिलाफ है। हाँ जी, एक केसी कंबोज को उन्होंने किया है AETO सोनीपत। नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ, इनको एग्जामिन किया जिसमें कुछ निकलता होगा उसमें वो कर देंगे। ये कंबोज कौन है जी? ये सोनीपत। नहीं पूरा नाम कंबोज केसी कंबोज, केसी कंबोज। फॉर्मर डीजी सोनीपत के बारे में ऑब्जर्वेशन दिए उन्होंने कुछ का? हाँ जी, हाँ जो पहले वाले डीजी जिनको पूछताछ किए उनके बारे में पूछ लेंगे। नहीं, धीरेन्द्र फॉर्मर एक्साइज इंस्पेक्टर सोनीपत, शेखर विद्यार्थी आईएएस एक्साइज एंड टैक्सेशन, सारे बाकी पॉइंट वाइज दिए हैं आपने, जब देखनी होगी मेरे दफ्तर में। हाँ हाँ, कैमरे पे दिखा दिए मैंने।
जोर से बार कर लो यार, आपने इतना बड़ा घोटाला पकड़ा है, इसकी पब्लिसिटी पॉइंट वाइज होनी चाहिए। मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको दे बस बस अब ये है मर्दाना का ठीक है लो जी बाहर दो इसकी पीडीएफ बना के कर दो इसका काम अभी इसको दे दो ये ना एक एक पेज बनाने की जल्दी करते ना अभी अभी करते ना नहीं अभी क्योंकि काफी मैटर है पेज दे रहे हैं कि किस पे आज ये मुफीद साहब के कमाल है ये तो प्रूव हो गया कि गोदामों से शराब गायब हाँ 2011 वो तो मैंने पढ़ के सुना दिया ना जो फाइनल कंक्लूजन किया है वो पढ़ के सुना दिया हाँ अब वो एक एक पॉइंट का बताऊं जो वहां ये फटाफट कर दे स्कैन हम जब तक चाहे भी रहे हैं स्कैन में जब तक भाई एक मिनट मनोज जी किस चीज के सैनिटाइजर के 19 सैंपल फेल हुए हैं और हैं 14 गलत सैंपल है 14 फेल हुए हैं कल 14 भेजा था जिला पास हुए 14 फेल क्यों करो 11 के खिलाफ 14 फेल हुए हैं उनमें से कुछ में तो जो अल्कोहल की क्वांटिटी है वो कम पाई गई है 5 सैंपल ऐसे हैं जिनमें इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल पाया गया विच इज वेरी पॉइजनस एंड वेरी हार्मफुल कुछ लोगों के सैंपल के पास लोगों के पास लाइसेंस नहीं है बनाने के तो ऐसी 11 FIR हमने दर्ज की अभी बाकियों का अभी रिपोर्ट आनी है 240 टोटल थे 248 थे अभी आधों की रिपोर्ट आई है आधों की आनी है FIR दर्ज कराने के ऑर्डर कर दिए और आदेश कर दिए कि मार्केट से इनका सारा स्टॉक विड्रॉ किया जाए जितना है और कल हमने प्रेस नोट में जिस जिस कंपनी के फेल हुए हैं उनके नाम भी दिए थे शायद किसी ने छापे मैंने नाम इसलिए दिए थे ताकि पीपल शुड आल्सो नो कि भी ये हाँ अभी किया नहीं है वो बात करके करूंगा कर देंगे टाइम बाउंड कर देंगे अब तो पटारा खुल गया तो आती रहेगी हाँ हाँ कई मुकदमे दर्ज हो गए इसमें अब तो रोज ही हमने ये तो धारावाहिक शुरू हो गया इसी में मनोज जी के साथ में एक सवाल और नहीं देखो SCT ने काम किया है ठीक है SIT होती है तो वो फर्दर जाती है शायद हमें विजिलेंस को देने की जरूरत ना पड़ती है अगर SIT होती और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी अपनी इस सीमा को ऑब्जर्व किया है कि हम इंक्वायरी टीम हैं हम इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है एक जगह पर उन्होंने लिखा ये बात लिखा है तो कहीं उन्होंने रुकावट महसूस की नहीं नेचुरली होने की वो तो होती है आप वाला था सवाल ये था उधर कम्युनिकेट समझ रहा था जिस दिन जैसी रिपोर्ट आई अभी रिपोर्ट आपके पास थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी विपक्ष के नेताओं ने खासकर कुमारी सैलजा ने और एक दो और नेता ने तो कहा जी कुछ नहीं है सब पर्दा डाल दिया कोई शराब घोटाला दबा दिया आप तौर पर इसकी जानकारी दी है
अब उन नेताओं को और उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, जो रिपोर्ट अभी किसी ने देखी नहीं है उसके बारे में ये विपक्ष के नेता विदाउट नोइंग, बिना एक भी अक्षर पढ़े ये कमेंट कर रहे हैं, तो इनकी कितनी समझ है उसका आप अंदाजा लगा लो। जब अभी हमने आउट ही नहीं की, किसी को पता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ, और आप कमेंट कर रहे हो, तो यू आर आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, वो तो इसमें मान ही लिया गया ना, मैं तो इसको मान रहा हूँ ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वो तो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, जो लिखा हुआ था ना, जो कंक्लूडिंग पैरा था मैंने वो पहले पढ़ दिया, उनका जो कंक्लूडिंग पैरा था वो मैंने पहले पढ़ दिया। नहीं नहीं, मैं संतुष्ट हूँ और मैंने इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया उसको। नहीं, कार्रवाई की जाए, अब जो भी कार्रवाई बनती होगी चीफ सेक्रेटरी एंड सीएम विल सी, मैं नहीं कर सकता, वही कर सकता हूँ। मैं तो रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना जी। हाँ जी, नहीं नहीं, नथिंग वो तो इन्होंने इंडिकेट नहीं, कोई मतलब पीसी के वो तो इंडिकेट भाई कैसे के ऊपर भी कोई था, पीसी के ऊपर भी कोई हो सकता है भाई, मैं जितना लिखा हुआ उतना ही पढ़ा है। आप अभी थोड़ा सीमा से बाहर हटते हैं थोड़ा सा साहब, जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये अंतरराष्ट्रीय गैंग है और अंतरराष्ट्रीय गैंग का पता लगाने के लिए ये बहुत जरूरी था एसआईटी का, बेशक एसआईटी गठित नहीं हुई, क्या आप अभी भी मानते हैं कि जो शराब तस्करी हुई थी इसमें अंतरराज्यीय गिरोह शामिल था? बिल्कुल था, बिल्कुल था, और अंतरराज्यीय गिरोह शामिल था शराब तस्करी के मामले में। हाँ, और जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो उसकी सारी गहराई तक जाएगा। जब एससीटी ये ऑब्जर्व कर रही है कि ट्रक के ड्राइवर के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया, अगर हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किसका माल था, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.